गुड इवनिंग। आज फिजिक्स में 12th क्लास फिजिक्स 4 चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर से हम शॉर्ट में रिवीजन में आपको पूरे फार्मूला उस चैप्टर में जितने हैं वो सब कुछ बताए जाएंगे। वैसे पूरा सिलेबस के लिए पूरा टॉपिक बाई टॉपिक आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में सब कुछ है। यहाँ पर एक शॉर्ट रिवीजन है और उस शॉर्ट रिवीजन में उसमें जितने भी फार्मूला यूज हुए हैं उन फार्मूलों का शॉर्ट नोट, ठीक है। तो चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी ये वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और पूरे फिजिक्स को आप पढ़ ही सकते हैं, बता दिया हमने। तो इसमें चैप्टर 4 शॉर्ट रिवीजन फिजिक्स 12th क्लास का है और इसमें चैप्टर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, ये पाठ का नाम है, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, ठीक है। तो इस चैप्टर में जितना कुछ है सब कुछ है, आप टॉपिक बाई टॉपिक वीडियो आप उसमें प्लेलिस्ट में पा सकते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ है जितने फार्मूला यूज हुए हैं वो फार्मूला बताएंगे एक साथ। इसमें सबसे पहला फार्मूला आया है बायो सेवर्ट का नियम। अब ये बायो सेवर्ट का नियम DB बराबर होता है μ0/4πIdl साइन थीटा √r2। ये है बायो सेवर्ट का नियम। और दूसरा ये है बायो सेवर्ट नियम का सदिश रूप। इसके सदिश रूप में कैसे लिखेंगे तो देखना, DB बराबर वेक्टर μ0/4πI/r³, और यहाँ dl×r, ये, या कि फिर DB बराबर यहाँ पर μ0/4πI/r², तो dl×r। याद रखना यहाँ पर यदि वेक्टर r है तो ये r³ है, और यदि r² है तो r² है, याद रखना इसको, ठीक है ना। फिर इसके अनुप्रयोग में वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = μ0/4π2πI/r, ये होता है, ठीक है। और धारावाही, ये भी धारावाही वृत्तीय कुंडली है, ठीक है ना। धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = होता है μ0/4π2πIa² + x² 3/2। ये है किसी धारावाही कुंडली के अक्ष पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यह है बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट नियम का सदिश रूप वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर, वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग में यह आता है, ठीक है। फिर एक है पांचवा, रिजरेखी धारावाही चालक के कारण, रिजरेखी धारावाही चालक के कारण
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसमें B बराबर होता है मी जीरो अपान फोर पाई आई अपान आर, ये होता है साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ये चालक की लंबाई नियत होने पर, और यही फार्मूला होता है म्यू जीरो अपान फोर पाई टू आई अपान आर, चालक की लंबाई अनंत होने पर। यदि चालक की लंबाई अनंत है तो बी बराबर म्यू जीरो अपान फोर पाई टू आई अपान आर लिखेंगे, और यदि अनंत नहीं है तो ये ठीक है ना। ये थीटा वन थीटा टू क्या है, जैसे ये हो गया इस बिंदु पर आपको तीव्रता निकालना है, तो ये है थीटा वन, ये है थीटा टू, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, ये बिंदु P है, और यहाँ B का मान ये आया। यदि ये अनंत लंबाई का हो, यदि अनंत लंबाई का हो तो ये आएगा, ठीक है ना। और फिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, धारावाही चालक पर लगने वाला बल F बराबर आई एल बी साइन थीटा, ये और लॉरेंज बल F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, ये F बराबर क्यू भी क्रॉस बी, ठीक, ये होता है। यदि मान लीजिए कहीं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो, तब लॉरेंज बल क्या होगा, आठवां नंबर, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की उपस्थिति में लॉरेंज बल F बराबर होता है Q बाहर E प्लस V क्रॉस B, ये होता है। जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों रहे तब लॉरेंज बल ये लिखा जाता है, ठीक है ना। फिर दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल F बराबर म्यू जीरो अपान फोर पाई, और यहाँ पर टू आई वन आई टू एल अपान आर, ये ऐसा है, ये आर दूरी आई वन आई टू है ना, इस पर ठीक ऐसा, और एल लंबाई चालकों की लंबाई एल है, ये न्यूटन, या कि फिर यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं म्यू जीरो अपान फोर पाई टू आई वन आई टू अपान आर न्यूटन पर मीटर, एकांक लंबाई पर ये होगा, किस पर होगा, ये एकांक लंबाई पर, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर इसके बाद आ जाता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर लगने वाला बल युग्माघूर्ण, एक समान
चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप लूप या बोल दो या कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, ये टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, इसी को टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, यन फेरों की संख्या है, ना हो तो आई ए को यम लिख दिया जाता है, यन यन इंटू रहेगा, पर यदि यन यन का इंटू ना करें तो आई ए मिला के यम होता है, ठीक है ना। तो टाउ बराबर एम बी साइन थीटा ये फार्मूला होता है, ठीक। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण ये या कि फिर ये, ठीक है ना, यम चुंबकीय आघूर्ण है। और फिर इसी में एम्पियर का परिपथीय नियम ये होता है, बी डी एल बराबर म्यू जीरो आई, ये 12 नंबर परिनालिका और टोरोइड एंकर वलय बोलते हैं इसको, एंकर वलय के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बराबर होता है म्यू जीरो एन आई, यन एकांक लंबाई फेरों की संख्या है। फिर धारा मापी का सिद्धांत आई प्रोपोर्शनल थीटा और धारा मापी की सुग्राहिता एस बराबर एन ए बी अपान सी, ये धारा मापी की सुग्राहिता है। और धारा मापी से अमीटर बनाने के लिए आवश्यक प्रतिरोध है, और धारा मापी से वोल्ट मीटर बनाने के लिए आवश्यक प्रतिरोध, धारा मापी से अमीटर बनाने के लिए आवश्यक प्रतिरोध एस बराबर होता है जी आई जी अपान आई माइनस आई जी, ये कोई धारा मापी है और उस धारा मापी से अमीटर जब बनाया जाता है तो समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं और उसका जो प्रतिरोध होता है वो ये होता है, जी धारा मापी का प्रतिरोध है, आई धारा मापी से प्रवाहित धारा है, जितने रेंज का मीटर बनाना है वो है, और यस उसका प्रतिरोध है, ठीक है ना। और धारा मापी से वोल्ट मीटर बनाने के लिए आवश्यक प्रतिरोध यहाँ लिखे देते हैं R बराबर भी बटे आई जी माइनस जी, ये वोल्ट मीटर बनाने के लिए आवश्यक प्रतिरोध जो होता है
वो आर बराबर वी बटे आई जी माइनस जी, ठीक है। और इसमें ये बता दें एक फार्मूला, वो ये होता है अफलान नाट अफलान आर बराबर अफलान, इसको बोलते हैं ये विद्युत में आता है, विद्युत में आता है तो विद्युत का ही लिख दिया, ये चुंबक में ये आया है म्यू जीरो म्यू आर बराबर म्यू, जैसे विद्युत में होता है वैसे इसमें भी लिख दिया, तो लिख दिया इसमें ये होता है, इसको बोलते हैं निर्वात की चुंबकन शीलता, और इसको बोलते हैं किसी माध्यम की चुंबकनशीलता, और इसको बोलते हैं माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकनशीलता, ठीक है ना। म्यू जीरो म्यू आर बराबर म्यू, म्यू जीरो निर्वात की चुंबकनशीलता, म्यू आर माध्यम की आपेक्षिक चुंबकनशीलता, म्यू निसी माध्यम की चुंबकनशीलता, ऐसे ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, ये विद्युत में आता है। अब लिख दिया तो आप काट नहीं रहे हैं, ये पाया जाता है वैसे फर्स्ट चैप्टर में विद्युत वाले चैप्टर में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें अब इसमें इस चैप्टर में जो आवश्यक फार्मूले हैं वो इतने हैं। अब ये भी बता दें जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, जब कोई आवेश कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, आवश्यक अभिकेंद्र बल लॉरेंज बल से प्राप्त होता है, आवश्यक अभिकेंद्र बल लॉरेंज बल से प्राप्त होता है। तो उसमें जो कण वृत्ताकार मार्ग घूमता है तो उस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, है ना। यानी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने पर मार्ग वृत्ताकार होता है तो उसकी त्रिज्या, देखिए उसकी त्रिज्या क्या होगी, हम फार्मूला से ला के दिखाई देते हैं। अब केंद्र बल बराबर होगा लॉरेंज बल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो R बराबर क्या आ जाएगा, mv अपान qb, ये और v बराबर हो जाएगा qb r अपान m, ठीक है ना। तो ये त्रिज्या का सूत्र हो गया त्रिज्या, और ये हो गया किसका, वेग का, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से इस चैप्टर में इतने महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, और इस प्रकार से चैनल आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हर चैप्टर का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट फार्मूला, डेरिवेशन सब कुछ बताया जाता है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। थैंक यू।